हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं नियमित शिक्षकों की भर्ती से लेकर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आप मेरे YouTube कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उन्हें भी मैं अपने वीडियो में शामिल करता हूं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद कि हर वीडियो में आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, जिससे कि मेरा हौसला काफ़ी बढ़ जाता है और उन्हीं कमेंट्स को लेकर मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। साथ में दोस्तों, आपको मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर बुक सजेस्ट की थी, अमेजोन की लिंक शेयर की थी, तो आपने वो बुक्स मंगा ली हैं और आप खुद ही बता रहे हैं कि आपको उनसे कितना लाभ हो रहा है। तो ये आपका एक सराहनीय प्रयास था, आपने मुझ पर विश्वास किया और साथ में उन बुक्स के बारे में ऑनलाइन जाकर अमेजोन पर पढ़ा, इससे विश्वास डबल हुआ और अब आपको इससे लाभ मिल रहा है, तो इसका पूरा श्रेय भी आपको ही जाता है दोस्तों। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन मेरे सामने आए हर एक वीडियो पे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों अभी आ रहा है, वो वर्ग तीन की तैयारी को लेकर, यानी कि कुछ स्टूडेंट वर्ग तीन की तैयारी कर रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि यार इसकी वैकेंसी आएंगी और यदि आएंगी तो फिर कब तक आने वाली है। और इसमें एक न्यूज़पेपर में भी ये आ गया है, ऐसी एक कटिंग आ रही है, उस पर भी काफ़ी वीडियो बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहा कि नहीं सर, आप इसके बारे में बताएं कि ये न्यूज़ सही है कि नहीं है। तो उसी के बारे में पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं दोस्तों। सर, न्यूज़पेपर में वर्ग तीन की न्यूज आ गई है लेकिन आपने कोई भी सूचना नहीं दी है, ऐसा क्यों। सर जी, रजनी शर्मा ने ये पूछा है। रजनी शर्मा का शर्मा जी का कहना है कि जो वर्ग तीन की वैकेंसी की जो न्यूज है वो न्यूज़पेपर में आ चुकी है, लेकिन आपने इस पर न्यूज क्यों नहीं बनाई है सर। और ये रजनी शर्मा जी ने भी पूछा है और बहुत से जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, या मैं कहूं कि जो हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर आपने इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। वीडियो ना बनाने का दो तीन कारण है दोस्तों। पहला तो ये कारण है कि इस पर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं, तो जो सूचना है वो आप तक पहुंच चुकी है। दूसरा कारण ये है कि मुझे ये न्यूज़पेपर में नहीं मिली है, मुझे कटिंग भेजी गई है, मेरे फेसबुक अकाउंट में या इनबॉक्स में भेजी गई थी बहुत से भाई बहनों ने कि ये न्यूज़ आ चुकी है, लेकिन आपने इस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे वो न्यूज़ मिली नहीं। न्यूज़ है वो नई दुनिया की, जो कि भोपाल से निकलते हैं, और वो कल मैंने 5 तारीख का जो भोपाल से एडिशन निकलता है नई दुनिया का वो देखा, 4 तारीख का देखा, फिर मैंने 3, 2 और 1 तारीख तक के मैंने सारे नई दुनिया के एडिशन देख डाले, लेकिन मुझे ये न्यूज़ नहीं मिली है जो ये कटिंग बताई जा रही। तो जब मैं उस पर खुद ही श्योर नहीं हूँ तो उस पर मैं न्यूज़ कैसे बना सकता हूँ। मेरा क्या रहता है दोस्तों कि कोई भी न्यूज़ आपको आई है, जैसे किसी भी न्यूज़पेपर में, तो मैं उस न्यूज़पेपर का हवाला देता हूँ, कौन से पेज नंबर पे आई है वो मैं आपको बताता हूँ, उस पेज नंबर पे ऊपर दी गई न्यूज़ के वो मिडिल में है कि नीचे है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यानी कि मेरा जो वीडियो बनाने का तरीका होता है वो यही होता है, जबकि ये न्यूज़ है मुझे कहीं भी न्यूज़पेपर में नहीं दिखी, हो सकता है आई हो लेकिन मेरे नज़रों से रह गई हो, बच गई हो, तो फिर मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया कि मैं किस बेसिस पर बनाऊं। यदि आप मुझसे पूछोगे कि सर किस न्यूज़पेपर में कौन से पेज पर आई, तो मुझे उसका पता होना चाहिए कि इस न्यूज़पेपर में इस पेज नंबर पर यहाँ पर यह न्यूज़ है और आप इसे ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं, तब उस पर वीडियो बनाना सही होता है। दूसरा कारण ये था कि अभी लगी आचार संहिता, तो ऐसी कोई वैकेंसी अभी निकल नहीं सकती जब तक आचार संहिता तन्ना हट जाए, लेकिन न्यूज़पेपर में जो कटिंग शेयर की जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि जनवरी में ये एग्जाम, मतलब ये वैकेंसी निकल सकती है। तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा एमपी एजुकेशन पोर्टल पर जो आदेश जारी हुआ था उसमें तीनों वर्गों की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, वर्ग एक और वर्ग दो के फॉर्म निकल चुके थे आचार संहिता से पहले, लेकिन वर्ग तीन निकलती उससे पहले आचार संहिता लग चुकी थी, अभी आचार संहिता हटी नहीं है। तो ये वैकेंसी जाहिर सी बात है कि जैसी हटेगी तो जनवरी में तो निकलनी ही निकलनी है, हम कोई न्यूज पर विश्वास भी ना करें तब भी हम ये मानकर ही चलें कि जनवरी में वैकेंसी आएगी वर्ग तीन की। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है वर्ग एक की, जो आपको काम देगी वर्ग एक में भी और दो में भी, क्योंकि आपके जो स्टैंडर्ड हो जाएगा पढ़ाई का वो थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा। वर्ग एक की आप देंगे जैसी, वर्ग दो में आपको फायदा मिलेगा वर्ग एक की तैयारी का, वर्ग एक में भी और वर्ग दो में भी, और वर्ग दो की यदि आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो वो फायदा मिलेगा आपको वर्ग दो में भी और वर्ग तीन में भी।
तो ये एक लिंक है दोस्तों, यहाँ पर आपने वर्ग एक वर्ग दो को अच्छे से पढ़ लिया तो वर्ग तीन में आपकी 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपको ये जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो हमें अभी क्या करना है कि भटकना नहीं है, वर्ग एक वर्ग दो की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जनवरी में 100% ये वैकेंसी निकलेगी, जनवरी में निकलेगी या फरवरी में निकलेगी, निकलेगी जरूर, तो उस समय हमारे पास इतनी तैयारी हो जाएगी कि वर्ग तीन आप आसानी से निकाल ले जाओगे। निकालने से मतलब है कि आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आपको एक जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों ये न्यूज जो आई है वो मुझे मिली नहीं है, इसलिए मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ हम इतना तो मान के चल ही सकते हैं कि जनवरी में वर्ग तीन की वैकेंसी आएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं लाया था और जो बात थी वो मैंने आपके सामने जैसा मुझे लगा वो मैंने रख दी है। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या सोचते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है वो यही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर रनिंग लास्ट ईयर है, यदि एग्जाम की डेट आगे नहीं बढ़ती है तो हमारी जो डिग्री पूरी नहीं होगी उस टाइम तक, और ज्वाइनिंग के टाइम पर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो हमें ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, रोहन जी ने पूछा। बहुत से भाई बहनों का ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि अभी हमारा बीएड रनिंग है, बहुत से लोगों की बहुत सी डिग्रियाँ रनिंग है, बहुत से लोगों के रिजल्ट नहीं आए, तो वो ये सोच रहे हैं कि यदि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान दें कि गवर्नमेंट जब रनिंग वालों को मौका दे रही है तो आपको इतना टाइम तो मिलेगा कि आप लास्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लेंगे। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके एग्जाम होंगे, इसमें लिखा है आप चाहे वर्ग एक का नोटिफिकेशन पढ़ लें, वर्ग दो का नोटिफिकेशन पढ़ लें, जैसे वर्ग दो का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 19 जनवरी से एग्जाम प्रारंभ, यानी कि प्रारंभ हो रहे हैं। आपने पटवारी के एग्जाम देखे होंगे, एक डेट्स में एक बैच ने एग्जाम दिए थे और फिर दूसरे बैच की अलग से डेट आई थी, फिर तीसरा बैच, चौथा बैच, ऐसे मतलब हमारे पास कंप्यूटर जो है वो लिमिटेड है और एक साथ मान लो 2,00,000 फॉर्म फिल हुए, 4,00,000 फॉर्म फिल हुए, तो 4,00,000 कंप्यूटर्स की व्यवस्था नहीं है कि एक साथ पूरे एमपी में एग्जाम दिए जाएं, उससे डिवाइडेड किया जाएगा डेट बाय डेट, इसलिए उसमें लिखा है 19 जनवरी से प्रारंभ। तो ये है कि आपको एक बैच होगा वो 19 जनवरी को ही एग्जाम देगा, फिर दूसरा बैच होगा उसकी डेट्स आगे की आएंगी, फिर जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स से फॉर्म फिल करा उस हिसाब से वो डेट्स बांटी जाएंगी। तो ये है कि जो एग्जाम होंगे वो कितने दिनों तक चलते हैं, उतना टाइम आपके पास है। फिर उसके अलावा वर्ग एक वर्ग दो और बीच में यदि वर्ग तीन किया गई तो उसकी भी एग्जाम हो जाएंगी, फिर रिजल्ट निकलेंगे। रिजल्ट निकलने में भी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, मान लो कि 15-20 दिन रिजल्ट निकलने में टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद आपकी दोबारा से वैकेंसी निकलती है पोस्ट बाय पोस्ट, जिसमें आपको ऑनलाइन फिर से फॉर्म फिल करना होगा और जो हमारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आपको मार्कशीट देगी बनाकर कि आपकी कितनी रैंकिंग है, उसे लगा के आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन कराना होगा, उसकी फोटोकॉपी से वो मिलाएंगे कि आपने जो सूचना दी थी वो सही है कि नहीं है, और फिर वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसमें काफी टाइम लगता है दोस्तों। जैसे कि हम बात करें 2011 की, तो 2011 में एग्जाम हुए थे और आपकी जो भर्ती हुई थी वो हुई थी 2013 में, यानी 2 साल का टाइम लगा था, जबकि वो ऑफलाइन भर्ती थी तो टाइम लगना लाजमी था। इस साल हो रही है ऑनलाइन भर्ती, फिर भी आप मान के चलें कि इसमें टाइम लगता है और वही टाइम के हिसाब से रनिंग वालों को मौका दिया गया। तो रनिंग वाले ये ना सोचे कि हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे, 100% आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। बीच में ऐसा भी हुआ था कि बहुत से लोगों की डीएड कंप्लीट हो गई थी 2013 में, लेकिन उनकी मार्कशीट नहीं आई थी, जबकि इंटरनेट की मार्कशीट में वो पास बताए जा रहे थे, तो वो भी गवर्नमेंट ने मान्य कर ली थी कि आपकी नेट में पास की मार्कशीट है आप वो लगा दो, उससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बाद में आपकी जो रेगुलर वो मार्कशीट आ जाए तो फिर उसे लगा देना। तो ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट पूरा आपका सहयोग करती है, आपके साथ है, तो आप ये ना देखें कि हमारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे कि नहीं। यदि रनिंग वालों को उन्होंने चांस दिया तो 100% आपके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, उन्हें पता है कि इतना समय लगेगा, इतने में इनके सभी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो ये ना सोचें कि यदि एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ी तो रनिंग वालों का नुकसान होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, एग्जाम डेट आगे बढ़ती है तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक नोटिस निकाला है कि ना तो एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी और ना यह परीक्षा निरस्त होगी। एक और चल रहा है कि परीक्षा क्या निरस्त हो सकती है, तो बिल्कुल भी 100% श्योरिटी के साथ आप ये मान के चलें कि ना तो परीक्षा निरस्त होनी है और ना एग्जाम डेट आगे बढ़नी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं उन्होंने भी अपनी डेट्स फिक्स कर रखी है। यदि
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड थोड़ी सी भी डेट आगे बढ़ाएगा तो बहुत सारे जो एग्जाम है वो आपस में क्लैश हो जाएंगे, तो ऐसा वो भी नहीं करेंगे कि किसी का नुकसान हो। तो आप निश्चिंत रहें, एग्जाम डेट वही रहेगी, लेकिन हाँ रनिंग वाले हैं उन्हें इतना टाइम जरूर मिलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर सकें। और इसमें भी आपकी तीन तीन काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, तो उसमें भी टाइम लगता है। अब ये काउंसलिंग क्या होती है वो भी मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में चले जाओ। काउंसलिंग में क्या रहता है कि मान लो किसी का वर्ग एक में हो गया और उसने वर्ग दो में भी फॉर्म फिल करा, उसमें भी हो गया, वो वर्ग दो की सीट छोड़ गया और वर्ग एक में उसने ज्वाइन कर ली, तो उसकी सीट खाली रह जाती है। तो जितनी भी सीट खाली बचती है उसे सेकंड काउंसलिंग में भर लिया जाता है। अब सेकंड काउंसलिंग में भी अगर सीट पूरी फुल नहीं हुई है तो वो थर्ड काउंसलिंग में भर लिया जाता है, मतलब जितनी सीटें हैं वो पूरी फुल करनी है हर हाल में। तो ये काउंसलिंग ऐसे बढ़ा दी जाती है। तो ये है दोस्तों इसका क्वेश्चन का, तो आप चिंता मत करें, आप तो सिर्फ तैयारी पर पूरा फोकस करें दोस्तों। अब इसके आगे हम चलते हैं। सर आपने अभी तक कट ऑफ के बारे में नहीं बताया है और ना ही कितनी पोस्ट है उसके बारे में कोई वीडियो बनाया है, ऐसा क्यों? सरिता जी ने पूछा है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर सब कहते हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी लेकिन आप कट ऑफ के बारे में नहीं बताते हैं। सब ये बताते हैं कि उर्दू की पोस्ट इतनी है, हिंदी की पोस्ट है इतनी है, केमिस्ट्री की पोस्ट है इतनी है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं बताते। तो मेरे पास इसका कोई आधार नहीं होता, या तो एमपी एजुकेशन पोर्टल पर कोई ऐसा डाला हो डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर मैं बनाऊं, या आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कुछ डाला हो तो उसके आधार पर बनाऊं, इन दोनों ने कुछ भी नहीं डाला। अब है अनुमान, अनुमान लगाना हमेशा गलत होता है। यदि मान लो मैंने अपना बीयू बढ़ाने के लिए कहा कि केमिस्ट्री की 500 वैकेंसी है और उसकी निकल आई सिर्फ 100, या मान लो मैंने कहा कि केमिस्ट्री की 100 वैकेंसी है और उसकी निकल आई 1000, तो कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों? तो ये रिस्क मैं आपके साथ क्यों लूं? और जबकि हमारा अब की जो एग्जाम हो रहा है वो कम पोस्टों के लिए हो रहा है, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? ना तो फ्यूचर में होना चाहिए, यानी ये फ्यूचर की बात है जो आप कर रहे हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, वैकेंसी कितनी है, किस सब्जेक्ट से, ये आप कौन सी बात कर रहे हो कि आपके एग्जाम हो चुके हैं और आपके ज्वाइनिंग के टाइम की ये बात है कि कट ऑफ कितनी जानी है और आपकी पोस्टें कितनी है, किस सब्जेक्ट से, ये तब की बात है। यानी आपने अपने माइंड को कहाँ पहुँचा दिया? फ्यूचर में पहुँचा दिया, और आप अभी वहाँ पर सोच रहे हो जहाँ आपके एग्जाम भी चुके हैं, आपके मार्क्स भी आ चुके हैं, आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मार्कशीट भी जारी कर दी, उसकी बात की बात आज आप आज सोच रहे हो, जबकि हमें करीबन 1 मंथ बचा है एग्जाम के लिए। तो उससे पहले आप ये बात सोच रहे हो कब की, जब एग्जाम हो चुके हैं उसके बाद की, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पे इंसान दो तरीकों से अपना समय बर्बाद करता है, बुरा लगा हो तो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि दो तरीकों से आप अपना समय बर्बाद करते हैं यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। एक तो ये कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारी पोस्टें कितनी है, ये आप पहुंच गए फ्यूचर में, यानी आपका जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, वो पूरा बर्बाद है क्योंकि आप फ्यूचर में काम कर रहे हो अभी। तो अभी हमारा क्या होना चाहिए? वर्तमान में पढ़ाई पर फोकस, लेकिन वो अब हट चुका है। हमारा फोकस पहुंच चुका है कि एग्जाम के बाद जो आपकी वैकेंसी निकलेंगी उसमें कितनी सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है और कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, ये आप फ्यूचर में बात कर रहे हैं। वर्तमान आपने अपना खत्म कर लिया, या फिर हम टाइम बर्बाद करते हैं अपना पास्ट को लेकर। पास्ट में आपके साथ कम नंबर आए हों या कोई भी आपने एग्जाम दिया हो उसमें आप चले जाएंगे और वो सोचने लगेंगे कि उस टाइम तो मैंने एग्जाम दिया था, मेरे नंबर कम आए थे, मेरा नहीं हो पाया था, क्या इस बार होगा कि नहीं होगा। और यहाँ मतलब हम दो चीज़ों पर बात करते हैं, या तो हम था में जाते हैं या हम होगा में जाते हैं, यानी कि भविष्य में ऐसा होगा, मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ये सब भविष्य की बातें हैं। और पास्ट में हम चले जाते हैं कि उस टाइम हमने एग्जाम दिया था, तो ये हमारे साथ क्या रहता है कि वर्तमान हमारा टोटली इसमें खराब हो जाता है। और अभी हमारी फोकस क्या होनी चाहिए? बिल्कुल पढ़ाई पे, कि हमारा जो पढ़ाई है उस पर हमारा पूर्ण फोकस होना चाहिए कि एक वैकेंसी हमको लेनी ही लेनी है। तो वो कब मिलेगी? जब वर्तमान में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो फ्यूचर की जो बातें हैं वो फ्यूचर पे छोड़ दो, और जो पास्ट की बातें हैं वो बीत चुकी हैं, उसे आप जानकर भी नहीं बदल सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो कभी अपना पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ उनसे आप सीख सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर एक ऐसा होता है कि जो
इसी पर डिसाइड करेगा कि अभी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। यदि आपकी अभी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आनी आनी है। तो हमें कहाँ रहना है, पूरा फ्यूचर का जो फोकस है वो निकाल कर वर्तमान में डाल दो, जो पूरा पास्ट का फ्यूचर है वो निकाल के वर्तमान में डाल दो। वर्तमान ही सब कुछ है, आपका जो प्रेजेंट है वही सब कुछ है, और खूबसूरत प्रेजेंट है। भगवान ने प्रेजेंट के रूप में आपको आज दिया है, तो आज में आप जितनी मेहनत कर सको, इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधा पढ़ने बैठ जाओ, आज में मेहनत करने बैठ जाओ, फ्यूचर तो आपका वैसे ही ब्राइट है। आपको कोई भी कट ऑफ नहीं रोक सकती, आपकी पोस्ट कितनी भी ज्यादा हो कम हो वो भी आपको नहीं रोक सकती। इसलिए आप अपने मार्क्स पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट थी कि मेरा मैसेज आप शामिल कर लें। एक वाइद शाह जी हैं, उन्होंने ये मैसेज लिखा था, तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो में मेरा मैसेज आप जरूर पढ़ें। स्टूडेंट को बता दीजिए कि टाइम जितना भी हो उसमें सॉलिड स्टडी को करें, जल्दबाजी में ना पढ़ें। सॉलिड स्टडी लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहती है। वाहिद शाह जी, वाहिद शाह जी का कहना है कि आप जो भी पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें और पूरे दम से पढ़ें, जिससे कि वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहे। और ये मैसेज बहुत अच्छा था। वाहिद शाह जी अक्सर अच्छे अच्छे मैसेज हमारे वीडियो पर डालते रहती है, जिससे कि काफ़ी कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो ये उनका मैसेज था। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सर हाउस वाइफ घर का काम करती हुए भी कैसे पढ़ें, इस विषय पर आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अभी तक आपने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मैं और मेरे जैसी बहुत सी हाउस वाइफ आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके अक्सर वीडियो भी देखते हैं, पर हम हाउस वाइफ के टॉपिक को आपने अभी नई वीडियो में नहीं डाला है, ऐसा क्यों सर? अपर्णा जी ने पूछा है। जी हाँ दोस्तों, अपर्णा जी ने पूछा है, और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कि ये लगातार कमेंट्स करते रहते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, हमें इस टॉपिक पर बताएं कि हाउसवाइफ हैं वो अपना काम करते हुए कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम वो है बहुत टफ होने जा रहा है, और जबकि वो पूरा काम जो घर का करते हैं उसके बाद वो मेंटली और फिजिकली इतना थक जाते हैं कि कैसे पढ़ाई करें। तो इस पर मुझे हर एक वीडियो पर 2-3 कमेंट्स मिले ही मिले हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि थोड़ा मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये मैसेज पढ़ा और मुझे लगा कि हाउसवाइफ जो घर में काम करते हैं उनका घर काम कितना टफ होता है। तो मैंने भी कुछ 2-3 घंटे या 4 घंटे अपने घर में काम कर देखा, तो वाकई में बहुत टफ था। एक कहना एक आसान होता है कि उनका जो काम है वो बहुत सरल है, लेकिन जब आप स्वयं उस काम को करके देखोगे तब आपको रियलाइज होता है कि वो इतना सरल नहीं है। उसके साथ पढ़ाई करना और फिर पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी, बच्चों की और सब कुछ, तो उसमें वो कैसे पढ़ें, इस पर मुझे एक वीडियो बनाना था। मैंने कहा भी था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन जब मैं वो चीज़ खुद ही करके देखी तो वाकई में टप लगा। अब मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा, और मेरे हिसाब से यानी कि मुझे जितनी नॉलेज है उसी हिसाब से मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। और हमेशा और मेरे इस चैनल से अधिकतर सही कहा उन्होंने कि हाउस वाइफ बहुत सी जुड़ी हुई हैं, अधिकतर उनके कमेंट्स आते रहते हैं और वो अपनी जो पर्सनल परेशानी है वो भी शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो यहीं था दोस्तों, कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि वही कमेंट्स हैं जो कि हमारी स्ट्रेंथ हैं, ताकत हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, जो ये बताती हैं कि आप इस चैनल के बारे में क्या सोचते हो। और मैं भी उन्हीं कमेंट्स के आधार पर नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ, तो आपकी जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार या प्रेजेंट कहूँ वो होती है, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक था, आपने पूरा देखा उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।